जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर किस प्रकार से भरें, ये आईपीओ क्या होता है, अगर आपने गलती की तो आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो वीडियो को देखना जरूर ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये 20 रुपये का सादा बिल्कुल सिंपल और ये आईपीओ है यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, इसे पोस्टल ऑर्डर भी कह देते हैं। तो बिल्कुल ये पोस्टल ऑर्डर सादा है, आप लोग इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और इसे ऐसा ही भरना है, ठीक है। जो इस समय एएमसी में वैकेंसी निकली हुई है लखनऊ में, उसके लिए आप लोग उसमें 100 रुपये का मांगा हुआ है पोस्टल ऑर्डर, तो आप उसे सेम ऐसा भर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आप लोग वैसा भरते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के लिए। तो कैसे भरना है आप लोग देखिएगा, ये मैंने भरा हुआ है, एक फिल किया हुआ है, तो आप लोग इसे देखिएगा, उसमें मांगा हुआ है कि कमांड पे टू लिखा हुआ है सबसे पहले, तो उसमें मांगा है कहाँ के लिए आप लोगों के लिए भरना है। तो इसमें आप लोग भरेंगे कमांडेड एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ, जहाँ के लिए मांगा जाता है आप लोग को वहाँ के लिए पे करना होगा, और ये लिखा हुआ है एट द पोस्ट ऑफिस एट, वहाँ की आप लोग पोस्ट ऑफिस के लिए इसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका लिख देंगे लखनऊ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर कमीशन के नीचे आप लोगों के लिए अपना नाम लिखना है, ठीक है, उसके बाद में अपना एड्रेस लिखना है, अपना पिन कोड नंबर लिखना है, ठीक है, इतना इसमें भरा जाता है। यहाँ पर डाक टिकट लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ वो साइन करके देता है पोस्ट ऑफिस, जहाँ से आप लेकर आएंगे पोस्ट ऑफिस से वो साइन करे मिलेंगे। यह नंबर होता है आईपीओ को, तो ये नंबर पड़ता है, ठीक है दोस्तों, जहाँ भी आईपीओ का नंबर मांगेंगे ऑफलाइन फॉर्म में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर पड़ता है। ये वाला आपको लिए सफ़ेद वाला पेज ऐसे आप देखिएगा, इसमें मैंने क्रॉस का निशान इसलिए लगा दिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत आप लोगों के लिए नहीं पड़ती है, इसकी ज़रूरत सिर्फ अपने पास रखने के लिए पड़ती है। इसके आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ से इसके लिए कट करेंगे और ये वाला पेज आप लोगों के लिए वहाँ पे भेजना है, ये वाला आपके लिए पेज नहीं भेजना होता है। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, कमांडेड एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ, लखनऊ किस डाकघर में भेजेंगे, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर डैश करें, तो आप लोग यहाँ डैश करिएगा और यहाँ भेजने की तारीख, ठीक है, तारीख जरूर लिखी जाती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग और ज़्यादा देखिएगा, सेम ऐसा ही भरा हुआ है, इसको उन्होंने ही भरा है, ठीक है, और ये चीज़ भरी हुई है, तो जो चीज़ फिल की हुई है, भरी हुई है, तो वो चीज़ देखिएगा सेम ऐसे ही भरा जाता है। कोई भी फॉर्म आप अपने ऑफलाइन भरेंगे तो सेम ऐसे ही भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।